हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लेट्स ट्राई क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर सेवन, दैट इज अ लेसन इन ह्यूमिलिटी. तो लेट्स ट्राई. वन इज रीड द क्लूज एंड राइट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द न्यू वर्ड्स दैट यू हैव लर्नड इन द लेसन. द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू. तो हमने जो वर्ड मीनिंग्स पढ़े हैं इस चैप्टर में, जो न्यू वर्ड्स पढ़े हैं, उनके लिए हमें उनका मीनिंग बता रखा है और हमें क्या बताना है, वो वर्ड बताना है क्या है. तो इसके लिए आपको वर्ड मीनिंग्स लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ए, अ सेवन लेटर वर्ड विच मीन्स लैक ऑफ रेन लीडिंग टू शॉर्टेज ऑफ वाटर. तो एक सेवन लेटर का वर्ड है जिसका मतलब होता है कि बारिश की कमी जहाँ पर हो जाती है या पानी की कमी होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉट, DROUGHT. एन इलेवन लेटर वर्ड विच मीन्स टू शेयर इन्फॉर्मेशन और आइडियाज़. इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए हम बोलते हैं कम्युनिकेट. अ सेवन लेटर वर्ड विच मीन्स टू परसुएड समवन ग्रेजुअली और जेंटली टू डू समथिंग. धीरे धीरे किसी को समझाना या कुछ कंप्लीट करना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोएक्सिंग. सिक्स लेटर वर्ड विच मीन्स अनयूजुअल एंड इंटरेस्टिंग, तो उसका मतलब होता है एक्जॉटिक. अ नाइन लेटर वर्ड विच मीन्स टू ऑब्टेन और गेट मीन्स एक्वायरिंग. अ सेवन लेटर वर्ड विच मीन्स हिंग्ड पैनल्स फिक्स्ड इनसाइड और आउटसाइड अ विंडो, तो उन पैनल्स को हम बोलते हैं शटर. कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शंस. कमिंग टू द लेट्स राइट टू. फर्स्ट, ऑन वन ओकेशन द ऑथर वेंट टू, कहाँ पर गई थी ऑथर, सह्याद्री हिल्स इन कर्नाटका. आंसर इज बी. सेकेंड, द ऑथर हैड गॉन टू द विलेज टू विजिट, क्या विजिट करने गई थी, अ ट्राइबल स्कूल. द लोकल ग्रुप्स ऑफ ट्राइबल आर कॉल्ड, ट्राइबल के ग्रुप्स को हम थांडास बोलते हैं. आंसर सी. कम्यूटिंग टू स्कूल वॉज डिफिकल्ट ड्यूरिंग रेन्स. कम्यूटिंग मीन्स ट्रैवलिंग. डी, द चिल्ड्रन ऑफ द स्कूल आस्क ऑथर फॉर, आंसर इज सी, कंप्यूटर बुक्स. द विजिट टू ट्राइबल स्कूल मेड ऑथर फील हम्बल्ड. लेट्स ट्राई थ्री. रीड दिस क्वेश्चंस एंड राइट द आंसर्स इन द नोटबुक. नेम द ऑथर ऑफ द स्टोरी अ लेसन इन ह्यूमिलिटी. अ लेसन इन ह्यूमिलिटी के ऑथर कौन है, द ऑथर इज सुधा मूर्ति. वेयर वॉज द ट्राइबल स्कूल सिचुएटेड, ट्राइबल स्कूल कहाँ पर था, इट वॉज सिचुएटेड इन सह्याद्री हिल्स अ डेंसली फॉरेस्टेड रीजन इन कर्नाटका. कर्नाटका के एक फॉरेस्टेड रीजन में था, सह्याद्री हिल्स में. वॉट इज द हेडमैन ऑफ द लोकल ग्रुप ऑफ ट्राइबल्स कॉल्ड, वाई इज ही द हेडमैन. लोकल ट्राइबल के जो ग्रुप होते थे उनके हेडमैन को क्या बुलाते थे और वो हेडमैन क्यों होते थे, तो उन हेडमैन को ठंडप्पा बुलाते थे और वो उस पूरे ट्राइब का सीनियर मोस्ट इंसान होता था और उनके पास सुप्रीम पावर होती थी. उनका मानना था और वो उन रूल्स को फॉलोज भी करता था जो उन्हें बचपन में प्रैक्टिसेस सिखाई जाती थी. दिस इज प्रैक्टिसेस. एवरीवन लुक्स अप टू हिम एंड फॉलोज हिम, और हर कोई उन्हें देखकर ही उन्हें फॉलो करता था. व्हाई वॉज द ऑथर इम्प्रेस्ड ऑन हियरिंग अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में सुनने के बाद ऑथर इम्प्रेस्ड क्यों हो गई थी. द ऑथर वॉज इम्प्रेस्ड बिकॉज द स्कूल हैड अराउंड 50 स्टूडेंट्स, उस स्कूल में 50 स्टूडेंट्स आते थे और दो टीचर्स थे. द स्कूल वॉज रन बाय स्टेट गवर्नमेंट, द चिल्ड्रन केम फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस. स्टेट गवर्नमेंट उस स्कूल को चला रही थी और बच्चे दूर दूर से आते थे. द पेरेंट्स वर पुअर अनस्कूल्ड देमसेल्व्स, देयर लिविंग कंडीशंस वॉज हार्श, उनके पेरेंट्स गरीब होते थे, वो खुद भी कभी स्कूल नहीं गए हुए थे और उनकी लिविंग कंडीशंस बहुत हार्श थी. बट दे आर वर स्टिल विलिंग टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, इसलिए पोएट इज इम्प्रेस थी, ऑथर इम्प्रेस थी. फिफ्थ, द प्रॉब्लम्स डू यू, व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू फेस इन रनिंग द स्कूल. इस सेंटेंस को रीड करके हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. हु सेड दिस वर्ड्स एंड टू होम, ये वर्ड्स किसने किससे कहे थे. द ऑथर सुधा मूर्ति सेड दिस वर्ड्स टू थंडप्पा, थंडप्पा से सुधा मूर्ति ने ये वर्ड्स कहे थे. What was the reply to this question? इस question का reply क्या था? The Thandappa said that coming to school during rains was difficult for the children. Thandappa ने क्या कहा कि बारिश के time पर school में आना बच्चों के लिए difficult होता है. They would get wet and school clothes wouldn't dry in the rainy season. वो गीले हो जाते हैं और school clothes बरसात के मौसम में सूखते नहीं हैं.
वॉट वॉज द गिफ्ट गिवन टू द ऑथर बाय थंडप्पा? थंडप्पा ने ऑथर को क्या गिफ्ट दिया? द थंडप्पा गेव द ऑथर अ बॉटल ऑफ रेड जूस. उन्होंने रेड जूस की एक बॉटल दी, विच इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ वाइल्ड रेड फ्रूट. द जूस वॉज नेचुरल एंड प्योर. तो वो रेड फ्रूट में से बना हुआ जूस था और वो जूस नेचुरल और प्योर था. सेवेंथ, वॉट वॉज द लेसन दैट द ऑथर लर्न फ्रॉम द इंसिडेंट? उस इंसिडेंट से ऑथर ने क्या सीखा? द ऑथर लर्न दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गिव और गिफ्ट समवन समथिंग, बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू ग्रेसफुली टेक फ्रॉम दैट पर्सन ऑल्सो. तो ऑथर ने ये सीखा कि किसी को गिफ्ट करना इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन उतना ही इम्पॉर्टेंट वो भी होता है कि खुशी से उस पर्सन से जो हमें मिल रहा है वो हम एक्सेप्ट करें. एनी गिफ्ट दैट ही ऑफर्ड, गिव वैन यू टेक. कोई भी गिफ्ट जो भी वो ऑफर करे उसे हम जब ले सकते हैं तभी हमें देने के लिए दे सकते देना चाहिए. डू नॉट टेक विदाउट गिविंग. हमें कुछ कुछ बिना दिए किसी से कुछ नहीं लेना चाहिए. लेट्स ट्राई फोर. इफ द ऑथर हैड नॉट एक्सेप्टेड द गिफ्ट गिवन बाय थंडप्पा, व्हाट डू यू थिंक वुड हैव बीन द एंडिंग ऑफ द स्टोरी? अगर ऑथर थंडप्पा का गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करती तो आपको क्या लगता है स्टोरी का एंड कैसे होता? If the author had not accepted the gift, the Thandappa would have felt insulted. अगर author उनका gift accept नहीं करती तो Thandappa को insult feel होता and would not have taken the gift from the author. वो author से gift लेने से मना कर देते. In the bargain, the children would not have benefited and the improvement of the school would not have taken place. और उसके ही result से बच्चों को benefit नहीं मिलता और school का जो improvement था वो भी नहीं होता. कमिंग टू द वर्ड पावर, वर्ड पावर में आज हम सीखने वाले हैं एंटोनीम्स. तो एंटोनीम्स क्या होते हैं? जनरल लैंग्वेज में जो आप अभी तक आज तक बचपन से अपोजिट वर्ड्स पढ़ते आए हो उन्हीं को एंटोनीम्स बोलते हैं. लेट्स रीड दिस सेंटेंसेस. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द थंडप्पा गेव हर अ बॉटल ऑफ जूस मेड फ्रॉम रेड फ्रूट. सुधा मूर्ति वॉज हेजिटेंट टू एक्सेप्ट इट as she had gone there to give what she could not accept. When she refused politely, she was surprised that Thandappa also declined her gifts. Now read the sentences and find the difference. अब इन्हीं सेंटेंस को हम पढ़ते हैं और डिफरेंस फाइंड करेंगे. At this point of time, Thandappa gave her a bottle of juice made from a red fruit. Sudha Murthy was ready to accept it as she had gone there to take what she could not refuse. When she accepted politely, she was surprised that Thandappa also accepted her gifts. तो यहाँ पर क्या हुआ है, दोनों ही सेंटेंसेस के मीनिंग्स चेंज हो गए हैं. किसकी वजह से? एंटोनियम्स की वजह से. Do you think the meaning of sentences changed? Antonyms of underlined words in the first set of sentences have been used in the second set of sentences. An antonym is a word opposite in meaning to the another. तो जो first sentences में underlined words हैं उसकी जगह पर second sentences में जो words use किए गए हैं जो कि underlined हैं वो उनके opposite हैं, और उनके opposite होने से ही पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो रहा है. तो एंटोनीम क्या होता है? एन एंटोनीम इज अ वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू अनादर. तो एक दूसरे से अपोजिट वर्ड्स जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एंटोनीम. तो लेट्स ट्राई फाइव में हमें क्या करना है कि ब्रैकेट में जो भी वर्ड दिया है उसका एंटोनीम लिखना है. इट रेन्ड हैवीली की जगह हमने क्या लिख लिया? लाइटली थ्रू आउट द नाइट. माई न्यू शूज आर, ब्रैकेट में दिया है कंफर्टेबल, हमें लिखना है अपोजिट यानी कि अनकंफर्टेबल. ब्लैंक्स द सी बिकम रफ, ब्रैकेट में दिया है सडनली मतलब अचानक, और ग्रेजुअली हमने लिखा है मतलब कि धीरे से. द लैंडस्केप लुक्ड वेरी, ब्रैकेट में दिया है अगली और हमने लिखा है इसका अपोजिट ब्यूटिफुल. इट इज़ गुड टू ब्लैंक्स डिस्करेज, तो डिस्करेज को मतलब है हम उसको अपोजिट लिख देते हैं मोटिवेट चिल्ड्रन टू लर्न स्विमिंग. लेट्स ट्राई सिक्स में हमें इन सेंटेंसेस को उनके अपोजिट सेंटेंसेस से मिलाना है. द फर्स्ट और सेकंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, अदर यू हैव टू डू.
ए ही इज़ वेरी जेनरस ही बॉट एवरी डे एवरीबडी अ गिफ्ट. तो इसका बिल्कुल एंटोनिम क्या है, डोंट एक्सपेक्ट एनी गिफ्ट फ्रॉम हिम ही एज अ माइजर. तो जेनरस मतलब देने वाला और माइजर मतलब कंजूस. ही बॉट एवरीबडी अ गिफ्ट, तो वो हर किसी के लिए गिफ्ट लेकर आया. इसका जस्ट उल्टा क्या हो गया कि हमें उससे गिफ्ट नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए क्योंकि वो नहीं लेकर आए हैं. तो आंसर इज़ 4. शी इज़ हार्ड वर्किंग, शी ऑलवेज कम्प्लीट्स हर असाइनमेंट ऑन टाइम. तो हम अगर इसका अपोजिट सेंटेंस ढूंढेंगे तो आई कॉन्ट बिलीव शी इज़ सो लेज़ी, वो इतनी लेज़ी है. शी सिट्स एंड वॉचेस टीवी द होल इवनिंग, वो पूरी शाम बस टीवी ही देखती रहती है. तो ये हमने इन सेंटेंसेस को किससे मिला दिया, इनके अपोजिट सेंटेंसेस से. नाउ योर होमवर्क टर्न इन प्रैक्टिस बुक चैप्टर 5 यू हैव टू डू माई टर्न 1. माई टर्न 1 में आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनको आपको पहले उनके अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं और फिर उन अपोजिट वर्ड से एक सेंटेंस बनाना है. द फर्स्ट सेकेंड और थर्ड वन इज डन फॉर यू, रेस्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू. फर्स्ट फॉर्चुनेट, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अनफॉर्चुनेट. इट इज़ रियली अनफॉर्चुनेट दैट शी कुड नॉट मेक इट ऑन टाइम टू अटेंड हर सन्स ग्रेजुएशन सेरेमनी. बी पॉसिबल, पॉसिबल का उल्टा क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल. इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट गुड रिजल्ट विदाउट वर्किंग हार्ड. सी सी इज़ कम्फर्ट, कम्फर्ट का उल्टा क्या आ जाएगा, डिसकम्फर्ट. द क्रिकेटर्स वर फेसिंग ग्रेट डिसकम्फर्ट बिकॉज ऑफ द हाई ह्यूमिडिटी. सो दिस इज़ योर होमवर्क फॉर नाउ एंड यू हैव टू कम्प्लीट योर बुक एंड दिस एक्सरसाइजेज इन योर बुक. And students, we have completed the chapter. Writer's workshop section is left, which we will do in the next video.